नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं अभिलाष आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। बड़ी बात यह है कि आज एशिया कप 2018 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि भारत पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन हमारे दूसरे पड़ोसी ने बाजी मारी और भारत और बांग्लादेश आमने सामने है। आज एशिया कप के इतिहास में तीसरी बार बांग्लादेश की टीम फाइनल पहुंची है और भारतीय टीम 9वीं बार फाइनल में है। हालांकि देखा यह जा रहा है कि भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है और इस मैच के बारे में पूरी जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी काशिफ भाई, जो हर पल की खबर पर मेरा साथ देते हैं और आप तक पहुँचाने में मदद करते हैं। काशिफ भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। भारत और बांग्लादेश आमने सामने हैं। जिस तरह से बांग्लादेश ने बगैर शाकिब और बगैर तमीम इकबाल पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराया है, तो क्या बांग्लादेश की टीम थोड़ा सा खतरनाक नजर आएगी भारत के सामने? देखिए, बिल्कुल, आज का मैच तो वाकई में बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के अंदर एक जो टीस है ना कि उसने अभी तक एशिया कप में फाइनल में आने के बावजूद नहीं जीत पाई है, तो वो उस टीस को मिटाने का आज का उसे मौका मिला है दोबारा से थे। तो वो टीस को मिटाने का आज मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोशिश करेगी कि किसी भी सूरत में शुरुआत से भारत पर हावी रहे। अगर टॉस बांग्लादेश जीतता है, पहले बल्लेबाजी करता है, तो वो एक बड़ा लक्ष्य लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई भारत के गेंदबाज हों या खास करके बल्लेबाज हों, वो टिके रहने के अंदर उनके अंदर कुव्वत है और वो पिच पर टिके रहते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश अगर टॉस जीतता है तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को 300 से प्लस लेके जाना चाहिए, तब तो वो मैच में बन सकते हैं। अगर वो 250 से नीचे रहते हैं तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के पास गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं है। बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजी के तौर पर अभी फिलहाल बांग्लादेश का वो प्रदर्शन हमें टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला। बिल्कुल सर, जैसा काशिफ भाई ने कहा कि बांग्लादेश की टीम को जो है करीब 250 से 300 का स्कोर जो है वो बनाना पड़ेगा भारत जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए। लेकिन हमने देखा है, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी देखा है, जहाँ पर एक 120 रनों की साझेदारी हुई और उसके बाद आप 250 चेज नहीं करते। तो अगर आपके तीन विकेटें पहले चली जाती हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन और बती राइडू अगर आउट हो जाते हैं, तो क्या भारतीय टीम वो टीम है जो 250 से 300 के बीच के स्कोर को चेज कर सकती है? बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एशिया कप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगी, क्योंकि अभी 6-7 महीने के बाद वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे, तो ऐसे में आपको टीम अभी से लेकर चलनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपने जिस तरह का एक आकलन रखा है कि रोहित शर्मा और जिस तरह से शिखर धवन बैटिंग कर रहे हैं, तो सब अच्छा लग रहा है कि देखिए हम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है और हमारे पास सबसे ज़बरदस्त ओपनर है। यही वो टीम है जो इंग्लैंड में पिटके भी आई जी। तो कहने का मतलब है, जब आप जीतते हो तो सारे ऐप छुप जाते हैं आपके, लेकिन जैसे ही आप हारना शुरू करते हो तो सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। अभी पाकिस्तान जब खेलने के लिए आए थे तो सबसे बेस्ट टीम थी, क्योंकि सब कह रहे थे भाई होम ग्राउंड है उन लोगों का, यहाँ पर क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं वो, ये जोशीली टीम है, नए लड़के हैं, ये सामने भारतीय बल्लेबाज टिकेंगे नहीं, गेंदबाज शानदार है। अब वही लोग कह रहे हैं कि यार कहाँ नए बच्चों को भेज दिया आपने खेलने के लिए। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये, जब आप हारते हो तो सारी खामियाँ खुल जाती हैं, सारी पोल आपकी खुल जाती है। यहाँ पर भारतीय टीम के साथ अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जीत रहे हैं, और दो तीन बैट्समैन की आप लगातार बात करते रहे अभिलाष भाई, मुझे आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आपके पास शिखर और जो रोहित अगर आउट होते हैं, साथ में वर्णन आपका अगर चला जाता है, तो क्या कि आपके कार्तिक धोनी और या मनीष पांडे या उसमें केदार जाधव, जो भी आपके बैट्समैन 4-5 रहते हैं, क्या वो मध्य क्रम को संभाल सकते हैं? क्योंकि टेस्ट होना बाकी, आपने सही कहा, क्योंकि आप अफगान के खिलाफ हमने देखा कि टीम वो टीम नजर नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि एक तो फैसले गलत जरूर गए, लेकिन क्रिकेट है अभिलाष भाई, ये सब चलता है, इसको लेकर आप बैठेंगे तो मेरे ख्याल से अगला मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ये तो क्रिकेट बाई चांस है। यहाँ पर आपको मौका मिलता है तो आप अच्छा करते हो, वही मौका नहीं मिला तो आप पवेलियन में जाते हो। तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी, अगर दो तीन बैट्समैन अगर आपके जाते हैं तो क्या आपके पास क्या अनुभव, जो जिस तरह धोनी और कार्तिक और हम बात करते हैं राइडू की बात करते हैं, 3-4 बैट्समैन हमारे लिए उस लेवल पर हैं कि टीम को एक बेहतर स्कोर दे पाए, तो चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि शिखर और रोहित शर्मा की ओपनिंग अच्छी मिली है, तो इस मैच भी अच्छी मिले, देन टीम आगे जाए। बिल्कुल, अगर विश्व कप को भी देखा जाए सर ध्यान में रखते हुए, तो अभी भारत की टीम जो है पूरी तरह तैयार नहीं लग रही है, क्योंकि हमने देखा है हांगकांग के खिलाफ भी जब आपकी विकेटें गिरी तो आपका मिडिल ऑर्डर पूरा ठह गया। इसके बाद जब अफगानिस्तान के खिलाफ आप ठीक है, आप गेंदबाजी में उतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं थे, लेकिन बल्लेबाजी में तो आप स्ट्रेंथ के साथ उतरे थे, आपकी बेंच स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच होता है सर। वहाँ पर भी भारतीय टीम ने बिल्कुल स्ट्रगल किया है। अंबाती राइडू और केएल राहुल ने ओपनिंग की थी, 120 की साझेदारी के बाद भारतीय टीम को 250 रन चेज करने में बहुत ज़्यादा, आखिरी 25 ओवर में भारतीय टीम ने मात्र 90 रन बनाए।
तो ये किस तरह से परफॉर्मेंस है? वही बात हो रही कि हम तय नहीं कर पा रहे अभिलाष भाई कि अगर हम केएल राहुल के जैसे अब हम बात करते हैं, केएल राहुल को हम यही तो तय नहीं कर पा रहे कि उनको वन डाउन खिलाना है, ओपन कराना है, खिलाना भी है नहीं खिलाना है, जब भी मौका मिलता है बल्लेबाज रन करता है वो फिर भी पता नहीं क्यों बाहर हो जाता है। यानी कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हम शायद उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर मध्य क्रम के लिए हम लोग बनाना चाहते हैं तो हमारा अभी तक मिडिल ऑर्डर तय नहीं हो पा रहा है कि धोनी खेलेंगे चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर जाएंगे या पांचवे नंबर राइडू आएंगे या वन डाउन आएंगे। अल्टीमेटली आप तीन बल्लेबाज पर डिपेंड हैं। ये दो तीन चार जो मिडिल आपका ऑर्डर है वो मजबूत आप रीढ़ माना जाता है, ये अगर ये आपका मजबूत नहीं है तो आपको जरूर स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि बात सिर्फ एशिया कप की नहीं अभिलाष, बात हम लोग वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, धोनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, धोनी को वर्ल्ड कप तक खिलाएंगे, लेकिन क्या हम लोग नंबर सेट कर पा रहे हैं? वो नंबर सेट करना जरूरी है क्योंकि धोनी बड़ा नाम है। अगर उनके नाम को हम लोग कैच नहीं कर पाए तो टीम में रखने का फायदा नहीं है, इसलिए आपके यंग प्लेयर को लेकर जाइए वहां पर। तो ये चीज देखनी पड़ेगी हमें, क्या हम लोग उस लेवल पर जा पा रहे हैं, क्या हम मिडिल ऑर्डर के साथ में एक मतलब पैरामीटर सेट कर पा रहे हैं कि ये बल्लेबाज इसके बाद ये बल्लेबाज इतनी, ये करना पड़ेगा। अगर ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी साबित हो सकता है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल कमजोरी जरूर बनेगी, बन सकती है भारतीय टीम की अगर बात की जाए। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है फाइनल है, बांग्लादेश जरूर तीसरी बार पहुँचा है सेमीफाइनल भाईजान। 2012 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल में हराया था, उसके बाद 2016 में भारत ने बांग्लादेश को हराया और इस बार 2018 में बांग्लादेश भारत के सामने। तो क्या बांग्लादेश के अंदर वो सोच होगी कि यार हम दो बार तो फाइनल गंवा चुके हैं, आज हम कोशिश कर लें जैसा हमने प्रदर्शन दिखाया। अगर हम रोहित शर्मा और शिखर धवन की विकेट निकाल देते हैं तो ये बात सबको पता है कि भारत का मिडिल ऑर्डर जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, फिर आप वो लंबे स्कोर की जो बात कर रहे हैं हम वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या बांग्लादेश का ये मानसिकता होगी कि भाई हम जल्दी से जल्दी विकेट निकालने वाले? बिल्कुल अभिलाष जी बिल्कुल, ये तो इसमें कोई दोराय नहीं कि जो टीम फाइनल में पहुँच जाती है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि भाई फाइनल आप पहुँच गए हो तो आपको किसी भी सूरत में वो कप हासिल करना है। अब चाहे वो भारत हो या बांग्लादेश हो, बांग्लादेश के साथ तो ये भी रहा है कि भाई दो बार वो फाइनल में पहुंच चुकी है, अब तीसरी बार वो फिर फाइनल में है। तो ऐसे में आज उनके लिए जहन में सिर्फ ये है कि किसी सूरत से ये इतिहास में लिखा जाए कि भाई बांग्लादेश ने भी जो है एशिया कप जीता है और एशिया कप आज उठाया है। देखिए जिस तरीके से हमने देखा है कि ये जो दर्द होता है वो एक अलग तरीके का होता है, चाहे वो हम साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, कई बार वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंच कर जो है वो फाइनल नहीं जोकर्स वाला जो है वो नहीं मिल पाता उन्हें वर्ल्ड कप। तो ये जो दर्द होता है कि भाई आप फाइनल तक पहुंच हो, टीमों से लड़ते हो और पूरा अपना स्ट्रगल करते हो, टीम लेके चलते हो, फिर फाइनल में आने के बाद आप हार जाते हो, तो वो जो है मिटाने का वो आज बांग्लादेश चाहेगी किसी सूरत में। और खास करके भारत जैसी टीम जिसके बल्लेबाजी जबरदस्त चल रही है, फील्डिंग जबरदस्त है भारत की, तो हर एक मामले में भारतीय टीम मजबूत है। और ऐसे में अगर भारतीय टीम को आज हराते हैं तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वर्ल्ड कप के लिए जो है वो उनके लिए एक अलग तरीके का रास्ता तय होगा कि देखिए हम एशिया कप जीत कर अब वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल विश्व कप को अगर ध्यान में रखा जाए तो अब भारत के महज 17 मैचेस बचे हैं और 17 मैचेस में ही भारत को अपनी टीम भी डिसाइड करनी है और अपना सही प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन भी ढूंढना पड़ेगा। बांग्लादेश की बात हम करते हैं सर, अब लगातार आपने कहा कि बांग्लादेश पहुंच तो जाती है फाइनल में, प्रदर्शन करती है, खेल बिगाड़ती है, और लेकिन जो ताबूत में जो आखिरी खेल ठोकने वाली जो बात, तो ये क्या जो ये टीम है इनके क्या मानसिकता होनी चाहिए? क्योंकि ये टीम फाइनल तक पहुंच तो जाती है, बड़े बड़े उलटफेर कर देती है, लेकिन आप फाइनल को बिल्कुल बिल्कुल अभिलाष भाई मैं तो यही कहूँगा कि गेंद खेलो गेंदबाज मत खेलो। कई बार क्या होता है कि हम बड़े नामों डर जाते हैं जी, कि मेरे सामने शिखर धवन है, मेरे सामने रोहित शर्मा है, मेरे सामने भुवनेश्वर है, बुमराह। तो जब आप गेंद खेलते हो तो गेंदबाज का डर आपके अंदर निकल जाता है। और देखिए एशिया का किंग कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को अपनी मानसिकता जो एक हो चुकी है कि भाई हम फाइनल तक तो पहुंचेंगे लेकिन बाहर से आगे नहीं बढ़ सकते या बड़ा मुकाबला नहीं जीत सकते, उससे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आपने सही कहा शुरू में कि तमीम इकबाल के बिना और शाकिबुल के बिना अगर आप जीत सकते हो तो मतलब आपके अंदर काबिलियत है। थोड़ा सा अगर आप उसको चीज़ को अगर मैदान पर ला पाए और एक बेहतर एक दूसरा दिखा पाए, क्योंकि टीम एफर्ट है, अगर आप एक अच्छी गेंद पे एक कैच कराने के लिए जाते हैं और फील्डर वहाँ पर कैच छोड़ देता है तो फिर वही है, बना बनाया गेम आपका बिगड़ जाएगा। यानी कि आपको चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, एक सही तालमेल दिखाना पड़ेगा, सही बिटवीन द रनिंग करनी पड़ेगी आपको और साथ में अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी गेंदबाजी, क्योंकि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट खेल रही है, अब लाइए तीन चार डिपार्टमेंट खेल रहे हैं और जब सब बेहतर करते हैं तो आप मुकाबला जीतते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर बांग्लादेश को मुकाबला जीतना है तो एक एकजुटता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय टीम
कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रही, भले ही मध्यकर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कई बड़े नाम हैं जो मौका पड़ने पर बड़े से बड़े स्कोर खड़ा कर सकते हैं, और ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है एक्सपीरियंस में बांग्लादेश से ज्यादा है, और उन्हें पता है कि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से डील करना है। फटाफट ले लेते हैं आखिरी सवाल भाईजान, क्या स्कोर प्रेडिक्ट? वैसे आपने कहा है कि भाई 250 से 300 बनने चाहिए, लेकिन अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो भारत को क्या एक पार स्कोर देना पड़ेगा बांग्लादेश को हराने? देखिए बिल्कुल, बांग्लादेश के लिए तो भारत अगर स्कोर दे सकता है जो उसकी जीत आराम से हो सकती है, तो 200, 250 से और 300 के बीच में अगर भारत स्कोर देता है तो भारत की जीत आसानी से हो सकती है। वहीं अगर बांग्लादेश टॉस जीतता है तो बांग्लादेश को 300 तो लेके जाना पड़ेगा स्कोर, क्योंकि भारत सामने हैं आपके, भारत के बल्लेबाज ऐसे हैं कि जो टिकने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत कम स्कोर में भी काम चला सकता है, लेकिन बांग्लादेश का भला नहीं हो सकता कम स्कोर। बिल्कुल सर, आखिरी प्रेडिक्शन ले लेते हैं, भारतीय टीम 250 से 300 का स्कोर जो है यहाँ पर पार स्कोर माना जाता है जीत के लिए। काशी भाई का जाना चाहूंगा, सही बोला कि भारत तो भले ही 250 से काम चला रहे, लेकिन बांग्लादेश में गुजार 250 में नहीं होने वाला, क्योंकि बैटिंग लाइनअप और इंडिया टीम को देखेंगे तो बड़े से बड़े दिग्गज वहाँ पर मौजूद है जो डर पैदा करते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल में 300 से बांग्लादेश को बनाना चाहिए, और भारत अगर खेलता है तो भारत को भी 300 के आसपास जाने से रोकना बड़ा मुश्किल होगा बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए, क्योंकि इस बार पूरी टीम नजर आएगी, और पूरी टीम जब नजर आएगी तो सही कहा मिडिल ऑर्डर भी जरूर चेक होगा। बिल्कुल, जब आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं तो फाइनल का मजा और दोगुना हो जाता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। एशिया कप 2018 के फाइनल से रिलेटेड तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार आज दिन भर लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल Next9 Sports को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।